पश्चिम बंगाल में इन्फेक्शन और इलेक्शन को लेकर जंग है। जी हां, कोरोना का इन्फेक्शन भी 24 घंटे में करीब 10,000 तक नए केस लेकर आया है और कोरोना काल में आज राज्य में छठे दौर की वोटिंग भी जारी है। बड़े नेताओं की किस्मत आज दांव पर है। नेताओं ने इससे पहले दौर की रैलियां छोटी तो कर दी, लेकिन कोरोना तब तक विकराल रूप अख्तियार कर चुका था। सवाल यह है कि नेता तो इलेक्शन लड़ रहे हैं और लड़ के चले जाएंगे, आम लोग इन्फेक्शन से कैसे लड़ेंगे, ये एक बड़ी खबर। खैर, ये चुनाव है जो आज छठे दौर में पहुंच चुका है। 8 चरणों में यहां पर चुनाव होने वाला है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बर्धमान, दिनाजपुर, मंगलकोट और साथ ही साथ देखिए नॉर्थ 24 परगना, बैरकपुर की तस्वीरें जहां पर सुबह से मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ कृष्णनगर से जुड़ चुके हैं, साथ ही अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर दिनाजपुर से, और पौलमी साहा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले पौलमी, जानना चाहेंगे आपसे, सुबह की तस्वीरें दिखाइए, 8 बज चुके हैं, लगभग 1 घंटा हो चुका है मतदान शुरू हुए, जहां पर आप हैं वहां से कैसी तस्वीरें? जी श्वेता, आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो पोलिंग बूथ में, मैं यहाँ से अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी साजिद से कि आपको सारे विजुअल्स दिखाएं। हम गायघाटा में खड़े हैं जो उत्तर 24 परगना में आता है और ये मथुआ डोमिनेटेड सीट है। यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंसी है बनगांव लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, वो मथुआ डोमिनेटेड सीट है और इस सीट में ही ठाकुर नगर है जो मथुआ कम्युनिटी का जो बहुत ही जो श्रद्धालुओं के लिए जो जगह है वहाँ पर लोग जाते हैं और इस सीट से जो है ठाकुर जो बनगांव से लोकसभा जीत कर आए थे 2019 में, बीजेपी के उम्मीदवार थे वो, जो इस कम्युनिटी के काफी दिग्गज नेताओं में से माने जाते हैं, उनके छोटे भाई जो है सुब्रत ठाकुर वो खड़े हैं बीजेपी की ओर से। तो अब बीजेपी जो है, आप जानते हैं कि मथुआ कम्युनिटी को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत कह रहे हैं कि उनको सिटीजनशिप देंगे और उस तरह से उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से ये कम्युनिटी थोड़ी बहुत उनसे नाराज थी 2019 के बाद कि इसी के बिना पर हमने आपको वोट दिया था पर वो सीए अब तक लागू क्यों नहीं हुआ, पर फिर भी बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है कि जो मथुआ कम्युनिटी है जो एक साइजेबल पॉपुलेशन है नदिया डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में, वो बीजेपी को वोट देगी। और टीएमसी का कहना है कि ये आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऑलरेडी भारत के नागरिक हैं तो आपको सीए की क्या जरूरत है। बिल्कुल, चलते हैं इंद्रजीत कुंडू के पास जो कि कृष्णनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, आप जिस इलाके में है कृष्णनगर, ये जो है ये भी मथुआ डोमिनेटेड इलाका है और साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश सीमा के करीब है ये इलाका, ऐसे में यहाँ भी सीए का मुद्दा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है और इस बार के इलेक्शन में जो वहां पर लोग पहुंचे, अगर आप बात कर सके क्या सोचकर वो यहां पर मतदान करने आए हैं? जी हाँ, इस वक्त हम लोग कृष्णनगर में हैं। ये जो सीट है ये कृष्णनगर दक्षिण सीट है, उसके एक बूथ में हम लोग खड़े हैं और जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि कोरोना परिस्थिति के चलते लोगों के मन में एक डर जरूर था कि वो किस तरह से आएंगे पोलिंग स्टेशन में और वोट देंगे। जो सिस्टम है, इलैबोरेट सिस्टम किया गया है इलेक्शन कमीशन से कि सबके चेहरे पे मास्क रहेगा, उसके साथ साथ सैनिटाइजर है, यहाँ पे टेम्परेचर चेक करने की सुविधा भी है और हर एक को ग्लव्स दिया जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह का कतार सुबह से दिख रही है, 1 घंटे का वोटिंग हो चुका है, ये देखिए महिलाओं का कतार जो है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 घंटे से जब तक हम यहाँ पे हैं हम देख रहे हैं किस तरह से भारी तादाद में महिलाएं यहाँ पे वोट करने आ रही है। मेरे दाहिने ओर पे आप देख सकते हैं पुरुष का लाइन वो यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन महिलाओं का तांता इस तरफ देखिए, अगर बाएं साइड पे महिलाओं का तांता आप देखेंगे तो ये जमावड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है और हर एक के हाथ में आप देखिए यहाँ पे ग्लव्स दिया गया है जो इलेक्शन कमीशन से प्रोवाइड किया जा रहा है, टेम्परेचर चेक भी हो रहे हैं। हालांकि जो सोशल डिस्टेंसिंग की प्रावधान यहां पे होना चाहिए वो नहीं है क्योंकि जगह की कमी है, लेकिन जितना कोरोना से बचने के लिए जितना करने की जरूरत है वो जरूर यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आशंका ये थी कि छठा, सातवां और आठवां चरण में शायद जो पोलिंग परसेंटेज है वो कम हो जाए क्योंकि लोग ना आए, क्योंकि लोगों में काफी डर है। जैसा कि हम कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस पाए गए हैं और हर दिन ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो वोटर्स में वो आशंका जरूर है, लेकिन फिर भी वोट देना लोगों की अधिकार है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है
है और उसको निभाने के लिए किस तरह से भारी तादाद में लोग सुबह से आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन में आ चुके हैं और अपना मतदान जो है वो दे रहे हैं। कृष्णनगर उत्तर जो सीट है वो काफी महत्वपूर्ण है, वहां से मुकुल रॉय चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ है तृणमूल के उम्मीदवार जो अभिनेत्री है कौशानी मुखर्जी। तो सबकी नजर सबकी निगाह है कृष्णनगर में, जो 9 सीटें हैं उनमें कृष्णनगर उत्तर सीट पे बिल्कुल टिकी हुई है। हमारे साथ प्रेमा राजाराम भी जुड़ गई हैं वर्धमान से, जरा वहां का भी हाल जान लेते हैं। प्रेमा, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर सुबह सुबह की क्या तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि मतदान छठे चरण में अब पहुंच चुका है पश्चिम बंगाल में, और ऐसे में लगातार कोरोना का ग्राफ भी वहां बढ़ता जा रहा है, 10,000 से ज्यादा मामले, तस्वीरें दिखाएं। 10,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं और हर दिन ये काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भी हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं अपना वोट देने के लिए, और यहाँ पे महिलाओं की लाइन, यहाँ के उनकी कतार हम देख पा रहे हैं और वहाँ पे पुरुष की कतार हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे गलसी में काफ़ी लोग आए हैं अपना वोट देने के लिए, एक घंटे के अंदर काफ़ी लोग अपना वोट दे चुके हैं, यहाँ से जा भी चुके हैं, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी अपने मास्क पहने हुए, क्योंकि कोविड की परिस्थिति में और जो गंभीर परिस्थिति हम लोग देख पा रहे हैं देश में उसको नज़र रखते हुए यहाँ पे लोग अपना मास्क पहन रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस भी यहाँ पे लोगों को कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। और अगर गलसी के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जब 2016 में लोग अपना वोट देने आए थे तो यहाँ पे 86% वोटर टर्नआउट था गलसी में, और तृणमूल कांग्रेस ये सीट जीता था, और इस बार भी तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि वो ये सीट जीत पाएंगे। श्वेता, बिल्कुल, अनुपम मिश्र उत्तर दिनाजपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, इस बार की जो लड़ाई है कई मायनों में काफी अहम है, पूरे पश्चिम बंगाल के अगर दृष्टिकोण से देखें इस बार जो है कई अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो दो ही पार्टियां हैं जो कि चुनावी मैदान में है, टीएमसी और बीजेपी है, और काफी दिलचस्प इस बार का चुनाव। लेकिन तस्वीरें आपके पीछे और भी दिलचस्प है, देखिए लगातार केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद लोगों का उत्साह जो है, लोगों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल श्वेता, छठा चरण 43 सीटें, 10,000 से ज्यादा कोरोना मामले, 58 मौतें, और मेरे पीछे जो आप कतार देख रहे हैं वो है वोट देने वालों की कतार। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, दुविधा है, लोगों को चुनाव है, वोट देना है, लेकिन कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं, वो भी तब जब 50,000 टेस्ट हो रहे हैं, सिर्फ 50,000 टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं। अगर ये संख्या बढ़े तो जिस हिसाब से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, हर पांचवां व्यक्ति पश्चिम बंगाल में कोरोना से प्रभावित देखा जा रहा है। और अगर चुनाव की बात करें तो छठा चरण है, बहुत महत्वपूर्ण चरण है, खास तौर पर बीजेपी और ममता बनर्जी के लिए। हम नॉर्थ बंगाल में हैं, नॉर्थ बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, इसके अलावा की जो भी बाकी सीटें हैं सब दक्षिण बंगाल में हैं। नॉर्थ बंगाल में पिछले बार बीजेपी का जो रिजल्ट था अच्छा हुआ था, रायगंज जहां पर इस वक्त मैं हूं वहां पर लोकसभा में बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली थी, मंत्री भी बनी देवश्री राय चौधरी। और यहां की बात अगर मैं न करूं और दक्षिण बंगाल की बात करूं तो दक्षिण बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ माना जा रहा है, जहां पर जिस जगहों पर चुनाव हो रहे हैं अगर सिर्फ नदिया और बनगांव इलाके को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर टीएमसी का गढ़ बताया जाता रहा है। तो ये ममता बनर्जी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। छठा, सातवां और आठवां चरण जो बात की ये सीटें हैं इस पर बहुत ही निर्णायक साबित होंगी और ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों के लिए। लेकिन इन सब के बीच आठवां चरण आते आते कोरोना के मामले कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे यही सबसे बड़ी अभी आशंका है और डर है जो लोगों में है, लेकिन वो डर फिलहाल यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पीछे अगर आप देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी ठीक से कोशिश हो रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि जगह कम है, वोटर बहुत ज्यादा है लेकिन मास्क अगर आप वहां पर वोटर से बात कर पाए, काफी जागरूक नजर आ रहे हैं, क्या कहना है उनका कोरोना को लेकर भी और साथ ही साथ इस बार उनके मुद्दे क्या है मतदान के लिए? जी बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करेंगे। कोरोना इस समय काफी तेजी से फैल रहा है, किस तरह से कोई मन में डर है, क्या है, क्या सोच रहे हैं आप? डर नहीं है, सावधान रहने से सब ठीक है। डर की कोई बात नहीं है, सावधानी किस तरह से बताइए? सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, घर से निकलते वक्त खुद को सेफ्टी लेकर निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो सोशल डिस्टेंसिंग उतनी ठीक तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है, आप हैं लेकिन पीछे जो है वो यही बोल रहे हैं, सब अपना अपना खुद को कंट्रोल करना चाहिए ना, हम किसी को नहीं कर सकते हैं, अपना कंट्रोल हम खुद कर रहे हैं,
और ये सबको भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, काफी जागरूक हैं ये, लेकिन मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं, इस जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। नीचे की मार्किंग भी की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की जो मार्किंग है वो भी यहाँ पे की गई है, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं खड़े हो रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है। हालांकि भीड़ भी ज्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा सा खुद पर विचार किया जाए, खुद को संभाला जाए, तो ये पालन किया जा सकता है, मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग।